नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट कर लिया है, साइज के हिसाब से कट कर लेना है। 34 साइज का ये ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन है, डीप नेक गले का। और यहाँ पर देखिए लंबाई रखी है इसकी 14.5 इंच और तैयार होगी 13.5 इंच। तो आप लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म और भी लिया है 6 इंच, गले की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब देखिए इसकी गहराई लेंगे 11 इंच और थोड़ा सा और ही बढ़ जाएगी गले का। इस तरह से शेप देंगे तो थोड़ा और बढ़ेगी, 11.5 पूरी इसकी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 0.5 इंच और बढ़ गया है नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमने इसे ले लिया है, निकाल लिया है गले का जो निशान है कपड़े पर। फिर उसके बाद हमें इसे बुकरम के ऊपर बना लेना है। तो इस तरह से हमें बुकरम के ऊपर हमने निशान को बना दिया है। उसके बाद इसे कट करेंगे। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली है। अब अस्तर और कपड़े को जोड़ लेना है। तो नीचे वाली तरफ से इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने निकाला नहीं है, इसमें बॉर्डर पूरा लगा हुआ है। तो नीचे की तरफ से ये कपड़ा जो है, कम जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे थोड़ा सा मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए साइड से भी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो इस तरह से साइड से सिलाई लगा दी है। अब जो कपड़ा ज़्यादा आएगा अस्तर वाले कपड़े के, जितना भी बाहर आएगा उसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह हमें कट कर लेना है। बराबर से मोड़ते हुए सीधा निशान इस पर बना देंगे। अब देखिए जो गला कट किया है उसे कपड़े पर रखते हुए हमने एक सीधी सिलाई डाल दी है। बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब गले को इस तरह कट कर लेना है। कट करने के बाद कट लगा देंगे। अब देखिए पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरह से हमें कपड़ा लेना है और मोड़कर सीधा कपड़ा कट कर लेना है। और इस तरह से देखिए इसको मोड़ते हुए सिलाई लगाना है, यानी कि इससे हमें पट्टी तैयार करना है। तब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, 0.5 इंच से कम ही लेंगे। उस हिसाब से हमने सिलाई इस पर लगा ली है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इस साइज की ये कट कर लेनी है। यहाँ पर नाप लेना है रखकर तिरछा करते हुए, और 1 इंच, 1-1 इंच दोनों साइड से बढ़ा कर लेना है। अब देखिए दो पट्टियाँ इस साइड से लगेंगी, 1 इंच की दूरी लेते हुए दोनों को लगाएंगे और 1 इंच नीचे की तरफ से छोड़ देंगे। फिर यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह दोनों इस साइड वाली जो पट्टी है, यहीं इस वाली साइड को नीचे वाली तरफ से ऊपर की तरफ हमें तिरछा करते हुए इसे लगाना है। फिर यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकाल लेंगे। फिर इस वाली साइड से भी पट्टी को अच्छे से मिलाते हुए देखिए सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ से।
बराबर से पहले देखिए इस तरह फैलाकर मिला लेना है, फिर सिलाई लगाना है। तो हमने देखिए सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब पट्टियों को यहाँ छोटी छोटी कट करके लेना है, तीन इस साइड लगेंगी और तीन इस साइड, तो इस तरह नाप लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कर ही लेंगे और पट्टी के अंदर उस वाली डिजाइंस के अंदर से निकालना है और जो लास्ट वाली पट्टी है उसके अंदर नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो तीन हमने इस तरह से बराबर दूरी रखते हुए तीन लगाई है और तीन इस वाली साइड से लगेंगी और देखिए तिरछा जिस इस तरफ तिरछा नीचे की तरफ तिरछा करते हुए थोड़ा थोड़ा करके रखना है, जैसे कि ये बीच वाली पट्टी हमारी जो क्रॉस हुई है उसी के हिसाब से ही इसे भी तिरछा करना है। बिल्कुल बराबर से इन्हें बनाते हुए नीचे वाली तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया है, एक बराबर से इसे लगाना है। तो इस तरह लगाने के बाद अब हमें जो डिजाइंस बनानी है अब आगे उसे बनाकर पूरा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंगे ढाई इंच, ढाई या तीन इंच का चौकोर कपड़ा ले लेना है, फिर एक तरफ से इसको रोल करना है। इस तरह देखिए इसको रोल करेंगे, अब दोनों साइड पकड़ते हुए छोटी छोटी चुनर दे हुए पकड़ते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमें सारी डिजाइन या पूरे गले के लिए डिजाइन हमें तैयार करनी है। तो जितनी पूरी गले पर लगेगी पहले इस तरह बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसे लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको गले पर लगा देना है, गले के बाहर वाली साइड से बिल्कुल गले के से दो पॉइंट थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए इसे पूरे गले पर लगा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पट्टी लगा दी है हमने, ये यहाँ पर देखिए इसी साइज की लेनी है जो डिजाइंस बनाई है, इसी तरह से बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये वाली पट्टी जो गले पर लगी इसे तिरछे कपड़े पर बनाना है और इस तरह देखिए हमने पट्टी को लगा दिया है। पट्टी की जगह पर आप लेस भी चाहे तो लगा सकते हैं अगर लेस लगाना है तो, अगर कपड़े का ही पूरा पैटर्न रखना है उसमें लेस का यूज नहीं करना है तो फिर पट्टी लगा सकते हैं। देखिए यही पट्टी लेना है और यहाँ पर कट करेंगे दो दो इंच की, दो दो इंच की हमें कट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए एक पट्टी को इस तरह से धागे से बांध लेंगे, फिर दूसरी उसके नीचे रखेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। फिर देखिए जोड़ने के बाद नीचे वाली पट्टी को बांधना है, तो इस तरह धागे को घुमाते हुए नीचे वाली को भी बांध लेना है। फिर यहाँ पर देखिए इस वाली सभी डिजाइनों के जहाँ से पट्टियाँ क्रॉस हुई हैं सभी के बीच में लगनी है कि पहले यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस वाली डिजाइन पर इस तरह से इसको रखना है, ऊपर वाली साइड से रखना है और पहले पकड़कर सिलाई लगा लेनी है, फिर उल्टी वाली साइड करना है और चारों तरफ इसका देखिए चारों साइड इसका इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे यानी सीधी वाली साइड आएंगे तो एक मोती इस पर लगा देंगे। तो इस तरह हमें पूरी डिजाइंस को पूरा करना है यानी कि सभी पर इसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए मैंने सभी डिजाइनों पर ये बना दिया है ये डिजाइने, और नीचे वाली सॉरी इस वाली डिजाइंस पर मोतियाँ लगा दी है, जो ये गले पर डिजाइंस बनाई है उस पर एक एक मोती लगा दी है। अब डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ, लास्ट में इसका जो प्लेट्स है उसे बना देंगे। तो ये हमने देखिए दोनों प्लेट्स बना दिया है, गले पर डोरी लगाएंगे, डोरी पर हमने कपड़े की ही लटकन बना रखी है, तो आप चाहें तो कपड़े की अपने मनपसंद लटकन इस पर लगा सकते हैं डोरी अगर लगाना है, बिना डोरी के भी ये गला चल जाएगा।
तो अगर डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हुआ, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।